सो गाइस ये हूँ मैं और ये है मेरा प्यारा सा हार्डकोर वर्ल्ड। और आज मैं इसी वर्ल्ड में कलेक्ट करने वाला हूँ 100 एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल और एक सर्कुलर बीकन स्पेक्ट्रम भी बनाने वाला हूँ। लेकिन मैंने ऐसे क्यों किया ये जानने के लिए आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, ऐसे नहीं टाइम में पीछे जाना पड़ेगा। सो गाइस कुछ टाइम पहले मैं अपने दूसरे वर्ल्ड में आराम से खेल रहा होता हूँ, पेड़ तोड़ रहा होता हूँ, एनिमल से दोस्ती कर रहा होता हूँ, डायमंड माइन कर रहा होता हूँ और MLG भी कर रहा होता हूँ, और वो सब कुछ कर रहा होता हूँ जो एक प्रो प्लेयर करता है या फिर नो प्लेयर भी कह सकते हो। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ क्या होने वाला है अभी थोड़ी देर में। मैं ऐसे घूम रहा होता हूँ तब ये होता है मेरे साथ। वॉट यार, ये क्या हो रहा है। यार किधर फंसा गया मेरे को डार्क। सो गाइस अभी चलते हैं हमारे हार्डकोर वर्ल्ड में क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है और बहुत कुछ पोशंस वोशंस बनाने पड़ेंगे मेरे को। चलते हैं। सो गाइस बड़े दिनों के बाद मैं आ चुका हूँ मेरे हार्डकोर वर्ल्ड में। मेरी एक्स भी तो देख सकते हो। तो पिछले टाइम हमने बनाया था एक गोल्ड फार्म जो कि बहुत फास्ट काम करता है। आज हमारा एम होने वाला है 100 गोल्डन एप्पल्स, आई मीन एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल्स को कलेक्ट करना। उसके लिए हमें कुछ सामान लगने वाले हैं, जैसे कि मुझे लगेगा पोशंस एक शलकर भर के, बहुत सारे पोशन चाहिए, और रॉकेट चाहिए, टोटम चाहिए, फूड चाहिए, ये सब कुछ चाहिए और मैंने ऑलरेडी कलेक्ट करके रखा है। देख रहा आप इन्वेंटरी में देख सकते हो, दो पोशन लेके रखे हैं मैंने और बाकी के पूरे शलकर बॉक्स मेरे को दिखाता हूँ। और ये भी मैंने क्लीन कर दिया था, बाद में दिखाऊंगा। तो इतने पोशंस है, हीलिंग के पोशंस और नाइट विजन के पोशंस है। तो चलो फ्लाई करते हैं। अब एंशियंट सिटी हमें ढूंढना पड़ेगा। उसके लिए मैं एक चीज़ का इस्तेमाल करने वाला हूँ जिसका नाम है चंक बेस। ये एक वेबसाइट है जिसमें माइनक्राफ्ट के जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं हमारे वर्ल्ड में वो हमें शो होते हैं। तो इससे थोड़ा एकदम थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, ज़्यादा ईजी नहीं होगा, फिर भी मेरे को फाइंड तो करना ही पड़ेगा गोल्डन एप्पल्स। तो गाइस हमें चाहिए 100 गोल्डन एप्पल्स। उसके लिए मेरे को जाना पड़ेगा चंक बेस नाम की वेबसाइट पर। इधर चंक बेस लिखता हूँ मैं, चंक बेस ये फर्स्ट वेबसाइट है, इस पे जाना पड़ेगा मेरे को। उसके बाद थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है और ये सीड मैप पे जाना है मेरे को। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करने में मेरा सीड ऑलरेडी यहाँ पर एंटर्ड है और ये पूरा मेरा वर्ल्ड में जितना भी स्ट्रक्चर है वो सब। तो मैं बाकी सब ऑफ कर देता हूँ, बस एंशियंट सिटी ऑन रखूँगा। ऑफ 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 सब ऑफ कर देता हूँ। ये जो लैंटर्न दिख रहा है आपको यही हमारा एंशियंट सिटी का सिंबल है। इस कोऑर्डिनेट पे है तो फिर चलते हैं। मैं आ गया हूँ एंशियंट सिटी की लोकेशन पे जहाँ पर हमें पता चला था। इसके नीचे ही बता रहा है तो अभी नीचे जाना पड़ेगा। चलो चलते पानी में
थोड़ा तैर के चले जाऊंगा, उसके बाद डिक डाउन करूंगा, नहीं तो फिर ज़्यादा डिक डाउन करना पड़ सकता है। यहीं से करते तो एक काम करते हो, यहीं से डिक डाउन करते हो एक सीन। सो गाइस नाइट विजन मार लेते हैं और नीचे चलते हैं। यहाँ से जाना तो सेफ़ नहीं है, क्या पता ड्रिप ड्रोन से मर जाओ, डायरेक्ट डिक डाउन कर लेते हैं। सो भाई फर्स्ट एंशियंट सिटी, ओ भाई वॉट ढूंढना तो नहीं पड़ा, एक सेकेंड वार्डन स्पॉन हो जाएगा, पहले इसको तोड़ लेता हूँ मैं। अरे यार डार्क हो गया, वार्डन स्पॉन होने वाला है। शिफ्ट दबा देता, आवाज़ नहीं करना, अगर आवाज़ करूँगा तो फिर ख़त्म। ऊपर चलते हैं, ऊपर मेरे को चेस्ट दिख रही है, चलो स्पॉन तो नहीं हुआ। सो गाइस मैं फर्स्ट टाइम एंशियंट सिटी में आया हूँ, मेरे को इतना एक्सपीरियंस है नहीं और मेरे को लग रहा नहीं है कि मैं कंप्लीट कर पाऊँगा। सो प्लीज़ लाइक कर देना अगर कंप्लीट हो गया तो। सो गाइस हमें हमारी फर्स्ट चेस्ट से ही गोल्डन एप्पल मिल गए थे, लेकिन वार्डन भी स्पॉन होने वाला था तो मैं वहाँ से आ गया। मेरे को मिली थी एक स्विफ्ट स्निक की बुक, तो उसको भी मैं लेगिंग्स पे लगाने वाला हूँ। लेगिंग्स निकाल लेता हूँ, मेरी लेगिंग्स यहाँ पर है और ये बुक लगा लेता हूँ, देखते कितना एक्सपी कॉस्ट करेगा। 15 XP जा रहा है, ले लेते हैं, बहुत XP अपने पास। अब इसको ट्राई करते हैं, देखते हैं कितना फ़र्क पड़ता है। वैसे ही अपडेट बहुत पहले ही आ गया था यार और मैं अब ले रहा हूँ, वैसे स्पीड में फ़र्क तो है। चलते हैं अब नेक्स्ट एंशियंट सिटी ढूंढने के लिए। सो आ गई हमारी सेकंड एंशियंट सिटी, अब चलते हैं चेस्ट खोलते हैं, पहले नाइट विजन मारते हैं, अब चेस्ट खोलते जाके। गाइस फिर मैं घर पे आ गया और मैंने थोड़े और पोशंस बनाए, क्योंकि नाइट विजन के पोशंस ख़त्म होने वाले थे मेरे पे। फिर मैंने इनको शल्कर बॉक्स में डाल दिया और फिर निकल पड़ा और एंशियंट सिटी फाइंड करने के लिए। वो भाई क्या किस्मत है, मतलब जिस पे कूदा उस पे ही मिल गया मेरे को एंचेंटेड गोल्डन एप्पल। सो गाइस 25 गोल्डन एप्पल्स हो गए हमारे, हम लोग फटाफट घर पे चलते हैं क्योंकि मैं थक गया हुआ कलेक्ट करते करते। सो अब मैंने सोचा है कि हम जो हमारा 100 बीकन था इंडियन फ्लैग वाला, सो इसको तोड़ के कहीं और बनाएंगे, थोड़ा अलग डिफरेंट वे में बनाएंगे। मैं जो इंडियन फ्लैग बनाया था उसको तो नहीं हटाने वाला हूँ, बस थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। सो मैं सोचो कि सर्कुलर बनाएंगे उसको और इंडिया का फ्लैग वैसे ही रहेगा और बीच में वो फॉग इफेक्ट रहेगा। सो तोड़ लेते हैं फटाफट से। सो गाइस फॉग इफेक्ट बनाने के लिए मेरे को चाहिए ग्लास, और इसके लिए मैं सैंड कलेक्ट कर रहा हूँ, फिर इसको स्मेल्ट करके ग्लास बनाऊंगा मैं। उसके बाद मैंने गोल्ड भी बहुत सारा जमा करके रखा है गोल्ड फार्म से, सो हम गोल्ड का बीकन बनाने वाले हैं। पिछली बार आयरन का था, इस बार गोल्ड का होने वाला है। सो गाइस मैंने थोड़े से ग्लास बना लिए देखने के लिए कि कैसा लगने वाला है। सो बीकन हमारा रेडी हो चुका है, बस फॉग इफेक्ट बनाना है। सो मैंने कुछ ग्लास थोड़े से लाए हैं, बाद में ला दूंगा मैं, तो अभी लगा के देख रहा हूँ मैं कैसा लगेगा, उसके बाद तो आप सिनेमैटिक्स इंजॉय करो।
सो गाइस मैं फिर से आ गया था कलेक्ट करने के लिए एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल्स, तो आप लोग मॉन्टाज एंजॉय करो। सो गाइस ये 94 तो हमारा हो गया, 97 हो गया है, इस वजह से 3 मिल गए मेरे को। और वेट वेट, इससे पहले कि तुम कमेंट सेक्शन में लिखो कि मैं चीटिंग कर रहा हूँ, तो ये चीटिंग नहीं है कि मैंने 50 से डायरेक्ट 94 कैसे पहुँचा। तो मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है लेकिन वो करप्ट हो गई थी, मैं आपको दिखाते हूँ प्रूफ के साथ बात करता हूँ, एकदम प्रूफ के साथ। सो बैकग्राउंड आपको दिख रहा होगा, सो ये वाली फाइल है वो, और देखो ये खुल रही नहीं है, रिकॉर्ड पूरी हुई है लेकिन ये खुल रही नहीं है। सो गाइस 97 कलेक्ट हो चुके हैं, बस अगर ये चेस्ट से 3 मिल जाए तो फिर 100 कलेक्ट हो जाएंगे हमारे। सो अभी फटाफट से चेक, यस मिल गए। वैसे मुझे पहले ही पता था कि इसमें मिलने वाले, मैं खोल के देख चुका था। सो अभी चलते हैं सबको और हमारे बीकन के पास लगाएंगे। सो गाइस कुछ ऐसा दिख रहा है हमारा बीकन, जो कि मेरे हिसाब से तो बहुत बेटर लग रहा है पिछले वाले से। मैंने पूरा फॉग इफेक्ट क्रिएट करने की कोशिश किया जो कि ठीक ठाक दिख रहा है। सो मैंने यहाँ पर बहुत सारे आइटम फ्रेम लगा के रखे और चेस्ट लगा के रखा है, क्योंकि अगर मैं इस बीकन के ऊपर कुछ बनाता तो फिर फॉग बनाना वेस्ट होता, इसलिए मैंने बस ऐसा आइटम फ्रेम प्लेस कर दिया है कैसे भी। तो अब मैं सारे गोल्डन एप्पल प्लेस करता हूँ, फिर आपको मिलता हूँ। सो गाइस बहुत अच्छा दिख रहा है, जितना भी मैंने मेहनत किया है वर्थ इट लग रहा है मेरे को। लिटरली इस वीडियो को बनाने को बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, और एक्सपेक्ट तो कर रहा हूँ मैं कि आप लोग 50 लाइक्स करवा दोगे इस वीडियो पे। सो प्लीज़ 50 से ज़्यादा ही करवा देना यार। सो अगर आपको ऐसी कुछ कॉन्टेंट देखना है अच्छे अच्छे, तो आपको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, और बाकी चैनल को भी, मतलब जितने वीडियो है चैनल पर सबको चेकआउट करना है। सो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।